हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन में कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने का ये सबसे आसान और सबसे लॉजिकल ट्रिक है, जिसकी मदद से आप किसी भी मैच में बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चुनकर अपने टीम को रैंक करा सकते हो। फैंटेसी में सबसे ज्यादा पॉइंट कैप्टन और वाइस कैप्टन का ही मिलता है। टीम चाहे जितना बेस्ट बना लो, अगर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट नहीं गए तो आपकी टीम कभी भी रैंक नहीं कर सकती है। वही अगर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट जाते हैं तो आपकी टीम अच्छी खासी रैंक कर जाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने के लिए आपको डिसाइड करना होता है कॉन्टेस्ट कि आप किस तरह के कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। ग्रैंड लीग में आपको बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ही चुनना होता है जो उस मैच के सबसे बेस्ट परफॉर्मर प्लेयर रहते हैं। जब तक आप बेस्ट परफॉर्मर प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाओगे, आपकी टीम कभी भी रैंक नहीं कर सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने के लिए आपको टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट देखने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैच देखने होते हैं, मैच प्रिडिक्शन देखने होते हैं, प्लेयर के परफॉर्मेंस देखने होते हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से चुना जाता है, कौन से लॉजिक और कौन से ट्रिक को यूज करना होता है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना और एक लाइक जरूर कर देना। जितने भी सदस्य अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां आपको किसी भी मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम तो मिलती ही है, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। आप जाओ मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद है कि आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन जब भी बनाने जाओ तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट पे काम करना होगा कि किस तरह के कॉन्टेस्ट आप खेल रहे हो। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, तीन से चार मेंबर का कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो फिर आपको सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी ओपोनेंट रहेंगे लगभग वो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ही लेकर आएंगे। तो आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर ही जाना होगा। उसमें एक आध प्लेयर आप यूनिक कर देते हो तो फिर आपकी स्मॉल लीग की यूनिक टीम बन जाती है, जो कि आपके ओपोनेंट को हराने में काफी मदद करती है। इस वीडियो को देखने वाले अगर आप लोग ज्यादा स्मॉल लीग खेलते हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो मैं अगला वीडियो स्मॉल लीग से रिलेटेड किस तरह से टीम बनाए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम करें, क्योंकि फैंटेसी में आप लगातार प्रॉफिट तभी बना सकते हैं जब आप लगातार इन्वेस्टमेंट प्लान पे खेलोगे। जब तक आप इन्वेस्टमेंट प्लान पे नहीं खेलोगे तो फैंटेसी में आप लगातार प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो आप लोग का कमेंट अगर ज्यादा आया तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बात आएगी कि ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से चुने, तो सबसे पहले आप दोनों टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख लें। वैसे टॉस के बाद आपको ड्रीम 11 पे भी मिल जाते हैं कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो बॉलर का बॉलिंग ऑर्डर, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मैं जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो लेकर आता हूं तो वहां पे बता देता हूं कि कौन से बॉलर पावर प्ले में बॉल करेंगे, कौन मिडिल में करने वाले हैं, कौन डेथ में करने वाले हैं, क्योंकि डेथ के बॉलर के पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है विकेट निकालने का। उस कंडीशन में रन बनाने की ज्यादा संभावना रहती है, कोई भी बैट्समैन हिटिंग करते हैं और विकेट ज्यादातर गवा देते हैं, तो डेथ के बॉलर को ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लॉप होने की भी संभावना डेथ के बॉलर को ज्यादा रहती है। हो सकता है सामने वाला भी टीम हो, वो पूरा ओवर न खेल पाए, पहले ही ऑल आउट हो जाए, तो उस कंडीशन में डेथ के बॉलर को उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए टीम कंपेयर देखना होता है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोनों टीम की प्लेइंग 11 को सबसे पहले तीन पार्ट में डिवाइड कर ले। आपको सबसे पहला पॉइंट पे काम करना है कि दोनों टीम की तरफ से कुछ फ्लॉप प्लेयर को चुन ले। कुछ फ्लॉप प्लेयर आपको दोनों टीम की तरफ से मिल जाएंगे जो किसी काम के नहीं रहते हैं, और उसी में कुछ ऐसे भी प्लेयर रहते हैं जो रिसेंट में भले वो फ्लॉप जा रहे हो लेकिन वो प्लेयर बहुत गजब के होते हैं, अच्छे खासे होते हैं और वो कभी कभी बड़ा परफॉर्म भी करते हैं। तो वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मेगा ग्रैंड लीग में बना सकते हो, क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग में रिस्क लेना होता है। आप इस वर्ल्ड कप में भी देखें कि स्टार्टिंग में विराट कोहली और जडेजा का कैप्टन वाइस कैप्टन काफी हाई जा रहा था, सिलेक्शन भी काफी हाई जा रहा था। जब स्टार्टिंग में तीन से चार मैच में वो फ्लॉप गए तो लोग पूरी तरह से इग्नोर करने लगे, लेकिन वही विराट कोहली है जो फाइनल मैच में एक तगड़ा परफॉर्मेंस किए और कैप्टन बन गए।
तो जो बड़े प्लेयर रहेंगे, जिनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी और पूरा संभावना रहता है कि वो प्लेयर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लोग पूरी तरह से जब इग्नोर कर रहे हो और उस प्लेयर का वेन्यू परफॉर्मेंस अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो, भले रिसेंट में फ्लॉप जा रहे हो, लोग इग्नोर कर दिए, तो वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसी तरह आप सेकेंड पॉइंट पे जब आओगे, दोनों टीम के ऐसे प्लेयर को चुनना है जो भले उनका सिलेक्शन काफी कम हो, वो परफॉर्म बड़े लेवल पे नहीं करता हो, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा इस वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल को, जिन्होंने हर एक मैच में एक एक विकेट निकालते चले गए, कुछ रन भी बना रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन लो ही था, जबकि हर एक मैच में बैक टू बैक ड्रीम टीम का हिस्सा बन रहे थे, ड्रीम टीम में अपना जगह बना रहे थे, लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो वैसे प्लेयर को अपने टीम में रखना होगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग की टीम रैंकेगी। आपको 3 से 4 ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाना है और ऐसे प्लेयर को कुछ टीम में रखना है और कुछ टीम में फ्लॉप कर देना है। और जो प्लेयर पिछले मैच में फ्लॉप गए हैं, प्लेयर अच्छे हैं, तो अगले मैच में वैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। उससे पहले आपको दूसरे पॉइंट पे काम करना होगा कि टाइप्स ऑफ मैच को देखना होगा कि आप किस तरह के मैच में टीम बनाने वाले हो। एक तो T20 मैच होता है, एक T10 होता है, ODI मैच होता है, टेस्ट मैच होता है। तो जनरली आप ODI के मैच में देखोगे कि ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वहां पे विकेट भी अच्छे खासे गिर जाते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर का बैटिंग भी आ जाता है और बॉलिंग भी करते हैं, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है परफॉर्म करने का, और वैसे ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर ज्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनते हैं। उसी तरह टेस्ट मैच में भी होता है, जबकि T20 मैच में बात करें तो यहाँ पे बैट्समैन अच्छा खासा परफॉर्म कर दिए तो बैट्समैन कैप्टन बन गए, जबकि बॉलर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिए तो बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन बन गए। तो इसके लिए आपको पिच रिपोर्ट देखना होता है, वैसे पिच रिपोर्ट आपको हर एक मैच में देखना होता है, पिच रिपोर्ट आपको देखना जरूरी होता है। आप देखोगे एक ही ग्राउंड में कई सारे मैच का कंडीशन होता है, कभी 200 रन बन जाते हैं, कभी 150 रन बन जाते हैं, इसका कंडीशन होता है एक ही ग्राउंड पे कई सारे पिच है, किसी पिच पे अच्छे खासे बैटिंग हो जाते हैं और किसी पिच में अच्छे खासे बॉलर को मदद मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन आपको मैच से पहले नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे बैटिंग अच्छे खासे होते हैं लेकिन किसी किसी मैच में अच्छे खासे विकेट गिर जाते हैं, तो यही जो है वो मेगा ग्रैंड लीग का रोटेशन बनता है। तो इसके लिए आपको जो फाइनल पिच रिपोर्ट होता है टॉस के बाद जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं उस पे काम करना होगा, क्योंकि एक ही ग्राउंड पे कई सारे पिच होते हैं और किस पिच पे मैच होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन मैच से पहले आपको पता नहीं चलेगा। इसका पता तभी चलता है जब टॉस के टाइम में आप न्यूज देखते हो। तो आप लोग ये न्यूज नहीं देख पाते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं फाइनल पिच रिपोर्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप ग्रैंड लीग की टीम बना सको। कोई ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली है, जनरली लोग बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे होते हैं, जबकि फाइनल पिच रिपोर्ट बॉलिंग के सपोर्ट में रहेगा, तो हम लोग बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलते हैं, जिससे कि अपनी टीम अच्छी खासी रैंक कर जाती है, वहां पे आसानी से 90% लोगों को जो है आसानी से बीट कर दे। तीसरे पॉइंट में आपको प्लेयर का परफॉर्मेंस देखना है। प्लेयर के परफॉर्मेंस में आपको 3 चीज देखना है। एक प्लेयर के परफॉर्मेंस तो आपको रिसेंट परफॉर्मेंस देखना है, दूसरा प्लेयर के वेन्यू परफॉर्मेंस देखना है और तीसरा अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखना। बहुत सारे प्लेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे रिसेंट में वो फ्लॉप जा रहे, उनका सिलेक्शन काफी लो रहता है, जबकि उसका वेन्यू परफॉर्मेंस और अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो वैसे प्लेयर को अपने टीम में रखा करें मेगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, जिस प्लेयर का वेन्यू परफॉर्मेंस और अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उनके उनकी संभावना ज्यादा रहती है और ज्यादातर वैसे प्लेयर परफॉर्मेंस कर देते हैं। अगर उसी में कोई बड़ा प्लेयर है, रिसेंट में फ्लॉप जा रहे हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो आप वैसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन मेगा ग्रैंड लीग में बना सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट जिसका सही रहता है वो परफॉर्मेंस करते ही करते। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में सबसे पहले आपको टीम का कंपेयर देखना होगा। सपोज दैट कि एक ए टीम है, एक बी टीम है, तो दोनों टीम किस तरह की, ऐसा ना हो कि एक टीम काफी स्ट्रांग हो और एक टीम काफी वीक हो, तो यहाँ पे टॉस कंडीशन हो जाता है, क्योंकि वीक टीम अगर पहले बैटिंग करेंगे तो फिर वहां पे रन कम बनेगा और उनके विकेट ज्यादा गिरेंगे, तो स्ट्रांग टीम के बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी खासकर मिडिल के बॉलर या जो मिडिल में जो जिनका ओवर खत्म करने वाला हो, वहां पे डेथ के बॉलर फ्लॉप हो सकते हैं,
तो डेथ के बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएं, क्योंकि उस कंडीशन में जनरली लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भले बॉलर को बनाएंगे, लेकिन डेथ के बॉलर अक्सर जो स्टार्टिंग में बॉल करते हैं वही डेथ में भी करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। और उस कंडीशन में मिडिल के जो बॉलर आते हैं, कोई ऐसा बॉलर आएंगे जो 3 से 4 विकेट झटक देंगे और वही कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉजिक यही रहता है, जनरली लोग जो डेथ के बॉलर होते हैं जो पावर प्ले में बॉल करते हैं, सपोज दैट बुमराह है, तो डेफिनेटली अगर सामने वाला कोई वीक टीम हो तो सबसे ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो बुमराह को बनाएंगे, लेकिन सामने अगर वीक टीम है तो फिर बुमराह का उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आप रिकॉर्ड खोल कर देख लेना किसी भी मैच का, इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम जो है वो विक रहा है, लेकिन मिडिल में अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, इन सभी को अच्छा खासा विकेट मिला है जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी बने हैं। वहां पे बुमराह को उतना अच्छा खासा विकेट नहीं मिला है, बुमराह को वैसे मैच में विकेट ज्यादा मिला है जो टीम कंपेयर में है, बराबरी का टक्कर देने वाले हैं, जो लास्ट तक मैच खेले हैं वैसे टीम के अगेंस्ट विकेट अच्छा मिला है, वीक टीम के खिलाफ उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलता है। तो इस तरह का आपको लॉजिक सेट करना है, क्योंकि जनरली बुमराह को, अर्शदीप सिंह को कैप्टन वाइस कैप्टन तो लोग बना ही रहे, आप भी उसी को बनाओगे तो आपकी टीम वैसे भी रैंक नहीं करेगी। आपको यहाँ पे मिडिल के जो बॉलर है, जो मिडिल में ओवर खत्म करने वाले हैं, वैसे बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। टीम का तीन ही कंडीशन होता है, एक तो स्ट्रांग टीम होगा, एक वीक होगा, दूसरा है कि दूसरा में दोनों टीम स्ट्रांग होगा और तीसरा में दोनों टीम वीक होगा। तो कंपेयर आपको मैच से पहले दोनों टीम का कंपेयर को देखना है, दोनों टीम का टीम कंपेयर बताया तो दोनों टीम स्ट्रांग होती है, तो स्ट्रांग टीम में टीम बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रांग टीम में आपको सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है प्लेयर के बैटल देखना, कि सामने वाला जो स्ट्रांग टीम है, दोनों टीम तो वहां पे स्ट्रांग ही रहेंगे, तो वहां पे बैटिंग ऑर्डर भी दोनों का स्ट्रांग रहेगा, तो प्लेयर बैटिंग सेक्शन से भी ले, वहां पे बॉलिंग सेक्शन से भी ले। उसी तरह आपको तीसरे मैच, जैसे कि दोनों टीम वीक है, तो दोनों टीम वीक के कंडीशन में ज्यादातर ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बनते हैं। जैसे कि इंडिया के अपेक्षा देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब वीक टीम है, और बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका या अफगानिस्तान खेल रहे, तो यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन जैसे कि साकिब उल हसन बांग्लादेश की तरफ से, हसरंगा श्रीलंका की तरफ से है, तो इन सभी का ऐसे मैच में परफॉर्म अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि वैसे मैच में उनके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उनकी बैटिंग आ जाती है और दूसरा बॉलिंग से भी विकेट निकाल देते हैं। तो ज्यादातर ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बनते हैं, तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनानी चाहिए, साथ ही साथ बॉलर को भी बनानी चाहिए। तो ये तो मैं मैच का प्रिडिक्शन बता नहीं रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉपर कैप्टन वाइस कैप्टन का सीन बता दूं। वैसे कैप्टन वाइस कैप्टन फिक्स नहीं होते कि कौन से प्लेयर बनेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा मैच पे कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, कभी कोई प्लेयर परफॉर्म कर दिए, कभी कोई प्लेयर परफॉर्म कर दिए। तो जिस मैच का मैं प्रिडिक्शन करता हूं, तो उसके लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ले, जिसमें किसी भी मैच का प्रिडिक्शन लेकर आता हूं उसमें मैं बता देता हूं कि ये प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनानी है, साथ ही साथ यूनिक प्लेयर जिसका सिलेक्शन काफी कम रहता है, जिसका परफॉर्म आने वाला रहता है, साथ ही साथ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बताता हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम मिलती है। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, जहां पिनअप लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। उम्मीद है आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।